हर बार किचन में कोशिश तो समझदारी से काम करने की जाती है, लेकिन अक्सर ऐसी मुसीबतें जो हमें फंसा के रख देती हैं। घर में कभी कभी आ जाती है मेथी, लेकिन जब मेथी की सब्जी बनाते हैं तो मेथी थोड़ी कड़वी निकलती है। कभी कभी सब्जी बनाते वक्त उसका स्वाद और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर दूध को कुछ ऐसा बनाने के लिए कि वो हमारे शरीर में अच्छे इफ़ेक्ट्स दे। कभी कभी हम सारे गलत फ्रूट्स एक साथ खा लेते हैं, तो कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमारे मसाले खराब क्यों रहे हैं खराब, और हमें उनको कैसे रखना होगा प्रिजर्व। तो चलिए बिना देरी करें शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक है हमारे दूध को बॉयल करने को लेके। जब भी आप अपने घर में दूध को बॉयल करें तो एक चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके पेट पे बिल्कुल भी दूध का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी डाइजेशन भी देगा। दोस्तों, सौंफ अगर आप दूध में उबालते वक्त ऐड करेंगे तो आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा, सौंफ में पाए जाने वाले पदार्थ पेट को ठंडा रखते हैं, डाइजेशन को बहुत ही बेहतर रखते हैं और हमारे इंटेस्टाइन्स को आराम देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसी के लिए मैं हमेशा दूध में उबालते वक्त सौंफ ऐड ज़रूर करता हूँ। सौंफ का पिया हुआ दूध कहते हैं अपने पेट को तो साफ रखता ही है, डाइजेशन तो बेटर रखता ही है, साथ में अगर शरीर में एक्स्ट्रा कोई चर्बी आ रही है तो उसे भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। पर एक चीज़ का ध्यान मैं हमेशा रखता हूँ कि जब भी ये सौंफ वाला दूध तैयार करता हूँ तो इसको पूरा प्रॉपर बॉयल दिलाता हूँ, ताकि सौंफ के एक एक कण का असर हमारे इस दूध में जा पाए और हमें एकदम पौष्टिक आहार वाला बढ़िया दूध मिल सके और साथ ही में हमारे पेट को ये दे सके बेहद ही ज़्यादा आराम। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरा बॉयल दिला दिया है, जब तक ये पूरा बॉयल ले लेता है हम फटाफट से चल लेते हैं अपनी अगली ट्रिक के ऊपर। घर पे कॉपर के ऐसे लोटे तो किसके नहीं होते, लेकिन अक्सर ये पड़ जाते हैं काले। लाए तो होते हैं हमने एकदम ज़्यादा गोरे, लेकिन ये क्या करें, इनके साथ ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है जिनकी वजह से काले हो जाते हैं। मात्र 10 ही सेकंड के लिए हमने इसको गैस पे रखा और उसके बाद हमने एक घोल तैयार करना है। घोल में दो अहम चीज़ें लेनी है जो आप मानेंगे नहीं, एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके इस बर्तन के साथ जादू सा हो गया हो, सिर्फ इनकी एक बूंद ही इसको घूरा कर देगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा विनेगर का घोल तैयार किया, इसको कॉटन की मदद से अच्छे से मिक्स करा और कि जैसे ये विनेगर और कॉटन टच होगा इस कॉपर के बर्तन पे, ये ऐसा गोरा होना शुरू हो जाएगा जैसे मानो ये एकदम नए जैसा वापस हो रहा हो। इतना इंस्टेंट रिएक्शन है, बस आप एक बार टच करा के तो देखिए अपने कॉपर के बर्तनों पर हल्का सा विनेगर और सॉल्ट का मिश्रण और ये एकदम ऐसे ही जादुई चमका देगा आपके ऐसे बर्तनों को। दोस्तों, कॉपर यानी कि तांबा बेहद ही ज़्यादा आसान है विनेगर और नमक से साफ करना, और अक्सर हमें इनकी ऐसी सफाई कर देनी चाहिए ताकि इस पे काली काली परत जो बार बार मोटी जमते जमते इसको और ही ज़्यादा गंदा करती जाती है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। तो हमने इसको पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कैसे क्लीन कर दिया है, और आपको भी इसको ऐसे ही क्लीन कर देना है, बेहद ही ज़्यादा आसानी से आप इसे क्लीन कर पाएंगे और आप कहेंगे एंड में रिजल्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग है, देख सकते हैं आपके सामने है। अच्छे से कर लीजिए इसको क्लीन और दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने तो इसको कर लिया है अच्छे से पूरा का पूरा क्लीन, हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। रात को सोने से पहले नारियल में मिला लो बस ये एक चीज, चांद की तरह चमक उठेगा चेहरा, कालिक दूर होगी, चेहरा इतना ग्लोइंग होगा कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। इस रेमेडी को बनाना दोस्तों इतना आसान है, ना इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे ना ही ज्यादा समय लगेगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस रेमेडी को बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए नारियल का तेल। सर्दियों में नारियल तेल का बहुत ही ज्यादा फायदा है। नारियल के तेल में फैटी एसिड होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसमें लिनोलेइक एसिड, विटामिन एफ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसे रात भर चेहरे पर लगाने के दोस्तों कई सारे फायदे हैं। नारियल का तेल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ये एक सीरम की तरह काम करता है। सबसे पहले दोस्तों हमने ली है एक कटोरी। एक कटोरी में एक चम्मच के लगभग दोस्तों हमने लिया है नारियल का तेल। स्किन को नमी देने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है नारियल का तेल।
झुर्रियों को मिटाने में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, दाग धब्बों से भी निजात पाता है। और वहीं दोस्तों, सर्दियों में धूप में जब हम बैठते हैं तो हमारी स्किन में टैनिंग आना शुरू हो जाती है, उन टैनिंग से भी दोस्तों हमें नारियल का तेल बचाता है। अगली जो चीज दोस्तों हमने ली है वो है नींबू। हमने आधा कटा हुआ नींबू ले लिया है और उसमें से हमने बीज को भी निकाल दिया है। नींबू का इस्तेमाल करके त्वचा में जो मौजूद दाग धब्बे होते हैं उनको दोस्तों हटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है नींबू। ये आधा नींबू हमने निचोड़ दिया है, इसका सारा का सारा रस हम इस कटोरी में निकाल लेंगे। त्वचा को दोस्तों निखारने में नींबू बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, एक ग्लोइंग लाने में नींबू और नारियल का तेल काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नींबू का तेल डैंड्रफ को भी दूर करता है, वहीं दोस्तों स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जो डेड स्किन होती है उसे भी साफ करता है। और वहीं दोस्तों जो लास्ट में हमने जो चीज़ ली है वो है गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गुलाब जल को दोस्तों आप नेचुरली नॉर्मली अगर सिंपल तरीके से भी यूज़ करोगे तब भी गुलाब जल के बहुत फायदे हैं। हमने लगभग एक चम्मच के करीब गुलाब जल का भी इस्तेमाल किया है और अब मैं इन सबको अच्छे से एक क्रीम की तरह बना लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स तब तक करते रहना है जब तक कि ये पूरी क्रीम की तरह बन ना जाए। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी गाढ़ी एक क्रीम के रूप में बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों ना ज़्यादा समय लगता है ना पैसा खर्च होता है। दोस्तों अक्सर मैं इसे अपने घर पे अप्लाई करती हूँ, अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, अपने हाथ पैरों पे अप्लाई करती हूँ। ना तो इससे स्किन ड्राई होती है, ना ऑयली होती है और ना ही काली होती है। इसे बनाना और इसे लगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, जो नींबू हमने निचोड़ा था आधा, बस वही मैंने इस्तेमाल किया है और उस पे मैंने ये थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है और अब हाथों पे अच्छे से रब करूँगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हाथों पे एक ग्लोइंग आएगी, चेहरे पे अगर लगाओगे तो चेहरा भी कुछ इसी तरीके से ग्लो करेगा। और रात को दोस्तों इसे सोने से पहले लगाना है, थोड़ी देर इससे मसाज करनी है कुछ इसी तरीके से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि ज़्यादा भी इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्की हल्की परत होनी चाहिए। बस पूरी रात भर इसे लगे रहने दीजिए और सुबह होते ही हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा स्किन के लिए ये नुस्खा है दोस्तों, ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार अपने घर पर इसे लगा कर ज़रूर अप्लाई कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेमेडी कैसी लगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर से लौटूंगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमारे पेज पर बने रहें।